जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा बन चुके स्वामी प्रसाद मौर्य के 20 फरवरी दिन मंगलवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता और एमएलसी पद छोड़ने का ऐलान कर उत्तर प्रदेश की राजनीति का गणित बिगाड़ दिया है। बसपा संस्थापक बहुजन नायक काशीराम के साथ राजनीति कर पिछड़ों को बसपा से जोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तो बसपा को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। अपनी बहुजन नेता बहुजन सुखाय की विचारधारा के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य की भाजपा से भी नहीं पटी और भाजपा पर ओबीसी समाज का शोषण करने का आरोप लगाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और तर्कशील एवं वैज्ञानिक सोच के धनी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई ढोल गमार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी का अर्थ सार्वजनिक कर भूचाल मचा दिया। साधु संत आचार्य और हिंदू धर्म के ठेकेदार लगभग सभी तिल मिला गए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को पूर्वजों द्वारा पूर्व में हुई गलती को सुधारने का बयान देना पड़ा। अपने ऐलान के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने 22 फरवरी को आरएसएसपी राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी का गठन कर अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ने का बिगुल फूंक दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 1954 को प्रतापगढ़ जिले के चकवड़ गांव कुंडा में हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य का जीवन गरीबी में गुजरा। अपने चुनावी किस्मत आजमाने के लिए 80 के दशक में डलमऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिसे वर्तमान में ऊंचाहार सीट से पहचाना जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ने में रामनाथ सेठ ने सामाजिक और आर्थिक मदद की। लोकदल से लेकर जनता दल से कई बार चुनाव लड़े लेकिन सफलता हासिल नहीं मिली। बसपा की नीतियों से प्रभावित स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के पहली बार 1995 में सीएम बनते ही बसपा का दामन थाम लिया और मानो स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक पंख लग गए। बसपा के प्रत्याशी के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1996 में पहली बार डलमऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2002 में द्वारा डलमऊ से सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोशल इंजीनियरिंग का धर्म निभाते हुए बसपा का पिछड़े वर्ग के नेता बने स्वामी प्रसाद मौर्य पर विशेष कृपा बनी रही। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की लहर के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य को मडबऊ सीट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के हारने के बाद भी अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। इसके बाद उन्होंने 2009 में कुशीनगर की मडरोना सीट से उपचुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे और बसपा सरकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान दल का नेता बनाकर सम्मानित किया। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा छोड़ने के बाद पहले भी अपने समाज को मजबूत करने के लिए खुद की राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उत्तर प्रदेश में उनकी मौर्य कुशवा साठ के सैनी की जाति के सिर्फ 6% वोट है। ऐसे में अपनी पार्टी बनाने का निर्णय छोड़कर भाजपा का दामन थामना मुनासिब समझा। भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते तो योगी सरकार के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में बसपा की तरह सियासी कद नहीं पा सके। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा भाजपा से सांसद है। पुत्र उत्कृष्ट मौर्य और अशोक मौर्य कई बार विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद भी विधायक नहीं बन सके। सूत्रों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने परिवार को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के मकसद से अपना राजनीतिक कैरियर दांव पर लगा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। वह मौर्य समाज से आते हैं और प्रदेश में मौर्य समाज जाति का 6% वोट है। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य को मौर्य समाज का कद्दावर नेता माना जाता है। बसपा में रहते हुए उन्होंने मौर्य समाज के बीच अच्छी पैठ बनाई, जिसके चलते पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक उनकी पकड़ मानी जाती है। फिलहाल देखना होगा कि अपनी अलग पार्टी बना चुके स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ताकत का कितना एहसास करा पाएंगे। 7 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।